यशोमति मैया के नंदलाला। परब्रह्म ईश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना केवल एक प्रहर में कर दी थी, किंतु जब उन्होंने स्त्री को बनाया तो उन्हीं परमेश्वर को पूरे 7 दिन और 7 रातें लग गईं, क्योंकि उन्हें स्त्री के व्यक्तित्व में मां बनने की अद्भुत क्षमता का निर्माण करना था। जो अपने तन को असहनीय पीड़ा देकर उसमें से एक नए जीव को जन्म देती है, जो अपने रक्त को दूध बनाकर अपनी संतान का पोषण करती है, वो एक मां ही होती है। स्वयं भगवान श्री विष्णु भी मां की इस ममता से दूर ना रह पाए, विवश हो गए धरती पर अवतार लेने के लिए। प्रणाम माता। माता, प्रभु, दुष्कंस के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पृथ्वी की शांति नष्ट हो रही है प्रभु, और मैं देवराज इंद्र होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आपके प्रताप से मैं भूमि अनंत काल से समस्त विश्व का भार उठा रही हूँ, किंतु प्रभु अब दुष्टता इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। अब दया कीजिए प्रभु, इससे पहले कि मैं बुराई के इस असीम भार के नीचे दबकर ब्रह्मांड की अतल गहराइयों में खो जाऊँ, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। आंखें खोलिए प्रभु, आंखें खोलिए। चिंता मत कीजिए, समय की पुकार को अनसुना नहीं करूंगा मैं आप सबका कष्ट हरूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा श्री कृष्ण के रूप में। कंस का वध करूंगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करूंगा जिनके कारण इस काल का सबसे बड़ा युद्ध होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं सभी अत्याचारियों को एक साथ समाप्त करूंगा और इस प्रकार मैं भूमि देवी का भार अवश्य हल्का करूंगा। मैं धन्य हुई प्रभु। हम धन्य हुए प्रभु, किंतु ये सब मेरे अगले अवतार के प्रमुख कारण नहीं है। तो फिर प्रभु, मेरे अगले अवतार का सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख कारण है मां के अलौकिक प्रेम का अनुभव करना। मैं मां की ममता के सभी रूपों का आनंद लेना चाहता हूं, उसके हाथों से भोजन करना,
उसके अंग से लिपट जाना, लोरियां सुनना, संसार के सभी संकटों से सुरक्षित उसकी गोद में सोना, उसे मां मां कहकर पुकारना, सांसारिक विषयों के बारे में उससे जानना, और फिर कोई शैतानी कर उसके आगे आगे भागना, उससे डांट खाना, और फिर उसे मनाने के लिए क्षमा मांगना, कौन है वो सौभाग्यशाली महिला जिन्हें आपने अपनी मां के रूप में चुना है? वो महिला है यशोदा। यशोदा। यशोदा आ जाएगो। आपके जैसा बड़ा ना है कि रास्ता ढूंढते हुए अपने आप घर लौट आएगो। बस 6 महीने का बालक है, अबोध है। हे नारायण क्षमा करना, अपने पति देव से ऊंची स्वर में बात कर ली मैंने। किसी को भी बुद्धि ना है पूरे गोकुल में कि नंद जी का बालक खो गया है, सुबह सुबह घर से भाग गया है। किसी को ना पड़ी है कि उसे ढूंढे लेकर आए, यही सम्मान देते हैं वे गोकुल के राजा को। हे भगवान, ना जाने मेरा बच्चा कहाँ होगो, कैसा होगो, कितना समय हो गया है, अब तक तो भूख भी लगी आई होगी उसे। आप क्यों रुक गए, आप खाओ। हाँ हाँ आप खाओ, आनंद से खाओ, आपको तो कुछ चिंता ही ना है। माँ ही तड़पती है अपनी संतान के लिए। अब क्या खाली पेट काम पे जानो है? क्या कहेंगे सब कि यशोदा अपने पति को भूखा रखे? ना ना आप खाओ। गुड़ के लड्डू कितने पसंद है उसे, कब से बना के रखे हैं। यशोदा तुम स्वयं क्यों नहीं जाकर ढूंढती उसे? लड्डू भी खिला दियो और घर वापस भी ले आई। जाओ शीघ्र जाओ। मेरे बच्चे को देखो है? ना। कहाँ है तू? देख तेरी मैया कितनी चिंतित हो रही है, और तू है कि हाँ
अभी तक मैया यशोदा का लाडला यही है, 6 माह का बछड़ा। इसी पर ये अपनी सारी ममता न्योछावर करती हैं। तो फिर भाग गो, प्रतिदिन का काम होगा वो तेरा। मैंने कही थी ना, मेरे बिना, अपनी मैया के बिना कहीं ना जानो है। जे संसार कितना भयानक है कछु मालूम है तुझे? दुष्ट भरे पड़े चारों ओर। वाह, दुनिया की अनोखी मैया और उसका अनोखा बालक, जो कि बालक है ही ना, गाय का बछड़ा है। तो लक्षणा, तुम्हारी जे दशा कौन ने की? और कौन ने, जे तुम्हारे सपूत ने कूद फाड़ के मेरे पूरे बगीचे का सत्यानाश कर दो है। मेरा रामू ऐसा कर ही ना सकता। जे क्यों आएगा तुम्हारे बगीचे में? रंग बिरंगे फूलों के लिए। फूलों के लिए? हाँ, जीप लपलपाती है इसकी मेरे फूलों के लिए। सुबह सुबह भाग के आ जाते हो इन्हें खाने के लिए। फूल खाने? सुलचना, तुम्हें कछु वहम हुआ है। जे मेरा रामू है, जे फूल वूल क्यों खाएगा भला? अच्छा, तो फिर आप ही इसका मुंह खोलो और स्वयं देख लियो। हाँ तो ठीक है, असत्य के पैर ना होते जब इसे धो जाएगा। रामू, मुंह खोल के दिखा। मैया की कही मानते हैं ना, मुंह खोल। रामू, सुलचना चाची को दिखा दे कि तूने उनके फूल ना खाए। चल मुंह खोल, मुंह खोल। हाँ हाँ, देख लो, इसने कछु ना खाया है। हाँ, हम चल रहे हैं। अरे पर मुझे भी तो देख लेन दो। सुलक्षणा, मैं नंद देव की पत्नी हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं असत्य बोलूंगी? ना ना जशोदा जी, लेकिन आप तो सिद्ध करने वाली थी ना। हो तो गए हो सिद्ध। चल रामू, देर हो रही। अरे अरे, यशोदा पवित्रता की प्रतिमूर्ति है, विश्वास का आधार सुरक्षा की भावना है, ममता का मूर्त रूप है वो, वात्सल्य की गंगा है, भावनाओं का बहता हुआ निरक्षर है। यशोदा अपने आप में परिपूर्ण है, यशोदा माँ है। प्रभु, माँ यशोदा निश्चित ही अद्भुत है। जिनके यहाँ आप पुत्र बनकर जाना चाहते हैं, उन्हें तो असाधारण होना ही है। किंतु प्रभु, आपके दिए हुए वचन के अनुसार आपको देवी देवकी का पुत्र बनकर जाना है, तो फिर आप एक ही जन्म में दोनों माताओं के पुत्र कैसे बन सकते हैं? आपका प्रश्न उचित है इंद्रदेव। पूर्व काल में प्रजापति सुतप्पा और उनकी पत्नी प्रश्नी ने मेरी घोर तपस्या की थी। उनके आग्रह करने पर मैंने उन्हें वरदान दिया था कि जब वो देवकी और वसुदेव के रूप में पृथ्वी पर आएंगे, तब मैं उनका अष्टम पुत्र कृष्ण बनकर जन्म लूंगा। पर मैया यशोदा के वात्सल्य प्रेम ने मुझे दुविधा में डाल दिया, क्योंकि वो भी तो पिछले जन्म से ही है ना। पिछले जन्म से? पिछले जन्म में मैया यशोदा 8 वसुओं में से एक श्री द्रोण की पत्नी धरा थी। वरुण देव विनती सुन लीजिए, तन मेरा निर्जल कर दीजिए, हर के बिन सारा चल तन का सागर सा हो गया है खारा। प्रभु, माता धरा की तपस्या का तेज अत्याधिक है। प्रकृति के 5 तत्व, 5 महाभूत इनकी पुकार सुनने के लिए विवश है।
जरा। प्रभु आप नियमों से तो अवश्य बंधे हैं, परंतु आप लीलाओं के स्वामी हैं। कोई तो उपाय निकालिए। जिस आयु में संतान को अपनी माँ की ममता के आंचल की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, उस आयु में अर्थात अपने जन्म के प्रथम दिन से 10 वर्षों तक मैं आपके साथ रहूंगा, किंतु फिर मुझे अपनी जन्म देने वाली माँ माता देवकी के पास लौटना होगा। ऐसा करने से मैं उन्हें दिया वचन भी निभा पाऊंगा और आपकी ममता का सौभाग्य भी प्राप्त कर पाऊंगा। यदि आपको स्वीकार हो तो। स्वीकार है प्रभु, सहर्ष स्वीकार है। एक मां और पुत्र का नाता केवल उसके कोख से जन्म लेने से ही नहीं बनता, ये नाता तो ममता से बनता है। और मैं अपनी ममता आप पर न्योछावर करने के लिए आतुर हूं। ये सब संभव होगा उसके कारण जो मेरे अगले जन्म की कथा का मुख्य पात्र है, कंस। महापापी अत्याचारी कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से ससुराल ले जा रहा है वही तेरे अंत में सहायक होगी। तेरा काल तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी 8वीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा, विनाश करेगा, विनाश करेगा। कौन है आप? मुझे आपसे भय लग रहा है, आप मेरे भैया नहीं हो सकते। सही कहा तुमने, जो मेरे विनाश को जन्म दे उस कुलघातिनी से मेरा कोई संबंध नहीं। महाराज, यदि आपको इस विषय में इतना संदेह है तो आप हमारी 8वीं संतान के प्राण ले लीजिएगा, बल्कि 8वीं संतान ही नहीं, उसका जन्म होने तक हमारी सभी संतानों का वध आप स्वयं अपने हाथों से कर लीजिए।